Yes, welcome back dear friends. Today we are discuss part number 2, concept of statement and assumptions. जिस भी student ने अगर part number 1 नहीं देखा है तो description में link दिया गया है, वहां से जाके watch कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम हल्का सा एक बार overview लेंगे statement assumptions का, उसके बाद में आज हम 5 questions पे discuss करने वाले हैं और काफी standard level तक इसको लेके जाएंगे। बस आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए, घर वालों का थोड़ा सा काम में हाथ बटाइए। तो ये 21 डेज कब निकल जाएंगे आपको खुद को पता नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, हल्का सा एक बार मैं कॉन्सेप्ट से शेयर करता हूँ। देखो, हमने स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स पढ़ा था, ठीक है। जब हमने श्लोक्स पढ़ा था, न्याय वाक्य, तब हमने कथन और निष्कर्ष पढ़ा था। तो कथन निष्कर्ष क्या होता है, ध्यान रखना, कथन निष्कर्ष में वही कंक्लूजन्स राइट होते हैं जो 100% होते हैं रेस्पेक्ट टू स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में वही कंक्लूजन्स राइट होगा जो हमें 100% इंफॉर्मेशन देगा, और किसके रेस्पेक्ट में देगा, स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में। बट यहाँ पे बात स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स की नहीं है, यहाँ पे बात है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस की। किसकी बात है यहाँ पे, स्टेटमेंट और अजम्पशंस की बात है। तो हमें ये फाइंड करना होगा बेटा यहाँ पे कि ऐसे अजम्पशंस कौन से राइट होंगे जिनको हम देखते ही सोल्व कर दें, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कौन से अजम्पशंस राइट होने वाले हैं। तो ध्यान रखना आप लोगों को, वही अजम्पशंस राइट होंगे जो हमें लेस देन 100% इंफॉर्मेशन देगा। लेस देन 100% मीन्स पॉसिबिलिटी, और किसके रेस्पेक्ट में, स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में। तो बस आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि वो ही अजम्पशंस राइट होते हैं जो हमें लेस देन 100% इंफॉर्मेशन देते हैं। 100% इंफॉर्मेशन वाले नहीं होंगे। अजम्पशंस का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी क्या होती है, लेस देन 100%, ठीक है। अब दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, ऐसे अजम्पशंस जो इलॉजिकल होंगे वो कभी भी राइट नहीं होते हैं। कौन से राइट नहीं होते हैं, एक तो इलॉजिकल। इलॉजिकल का मतलब क्या होता है, इलॉजिकल का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आपने आरएएस प्री का एग्जाम देने जा रहे थे और रिजल्ट आया तो आप फेल हो गए। तो आपके फ्रेंड ने बोला कि उस दिन तू मंदिर में 21 रुपए का प्रसाद नहीं चढ़ा गया इसलिए तू फेल हो गया। तो ये अजम्पशंस कैसे हैं, इलॉजिकल है। या फिर मान लीजिए आप बाइसिकल से जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो किसी ने कहा कि उस दिन काली बिल्ली ने तेरा रास्ता काटा था इसलिए तेरा एक्सीडेंट हो गया। तो ये बातें कैसी है बेटा, ये बातें सारी इलॉजिकल में आती है। किसमें आते हैं, इलॉजिकल में। और इलॉजिकल वाले अजम्पशंस कभी भी राइट नहीं होते हैं, क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। सेकंड, जो स्टेटमेंट का अपोज करे, जो अजम्पशंस स्टेटमेंट का क्या करे, स्टेटमेंट का अपोज करे, विरोध करे, तो वो भी क्या होंगे, वो भी गलत होंगे। बस आपको दो चीजें देखनी होंगी अजम्पशन में। फर्स्ट देखनी होगी कि वो इलॉजिकल तो नहीं है रेस्पेक्ट टू स्टेटमेंट। सेकंड, स्टेटमेंट का अपोज तो नहीं कर रहा है। बस आप दो बातें ध्यान रखिए दिमाग में, और पूरे क्वेश्चंस को विद इन 20 सेकंड्स में आप सोल्व कर सकते हैं, विद इन 20 सेकंड में। चलिए देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन पे। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लेना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, एक बार इसको पढ़िए अच्छे से। स्टेटमेंट को पढ़ना है ध्यान से। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस एडिशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स फॉर ऑल द थ्रोट अफेक्टेड रीजन्स इन द कंट्री। मतलब सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है भाई। सरकार ने बोला है कि अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो उस एक्स्ट्रा वर्क के बदले आपको अनाज मिलेगा, ठीक है। अब भाई अजम्पशंस पे, फर्स्ट अजम्पशन कह रहा है बेटा, द गवर्नमेंट हैज एडुकेट फंड टू रन दिस प्रोग्राम्स। भाई उनके पास में फंड है तभी तो ये प्रोग्राम्स रन करा रहे हैं, यस नो। तो ये बात कैसी है, लॉजिकल या इलॉजिकल? इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। बात कैसी है, मान लीजिए सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए बोला है कि जो एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो उसको और अनाज मिलेगा, और देख लीजिए अनाज दे रही है तो इसका मतलब उसके पास में क्या है, पर्याप्त फंड है। तो बात कैसी है, लॉजिकल है। तो लॉजिकल बात है, इलॉजिकल तो बात नहीं है, पहली चीज हमने चेक कर ली। दूसरी चीज, क्या ये अजम्पशन स्टेटमेंट का अपोज कर रहा है?
भाई स्टेटमेंट को अपोज कर रहा है क्या? नहीं भाई, ये अजम्पशन तो ये कह रहा है कि हाँ उनके पास में एडुकेट फंड होगा, बिल्कुल होगा, तभी प्रोग्राम रन हो रहा है, तो ये भी बात अपोज नहीं की जा रही है। तो सेकंड वाली बात भी क्या होगा यहाँ पे, हमारी सेकंड वाली बात भी राइट हो गई है। तो क्या बोलेंगे इसका आंसर, हम बोलेंगे फर्स्ट इम्प्लिसिट, कभी भी ध्यान रखना फॉलो नहीं आता है, अजम्पशन में आता है इम्प्लिसिट। क्या आता है? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है हिंदी में अंतर्निहित। क्या होता है? अंतर्निहित। और फॉलो का मतलब होता है अनुसरित, अनुसरण करना या अनुसरित करना। तो जब भी आपके सामने अजम्पशंस आएगा तो अजम्पशंस में हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इम्प्लिसिट। ठीक है, अब ये सेकंड पे आते हैं फटाफट से। सेकंड है, अफेक्टेड पर्सन में बी एबल टू गेट एटलीस्ट वन मेल ए डे टू दिस प्रोग्राम। हो सकता है कि इन कार्यक्रम के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार खाना मिल जाए। आप मुझे एक बात बताइए, सरकार सूखा पड़ रहा है, ठीक है, सूखा पड़ रहा है, सरकार ने बोला कि अगर जो एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो उसको अनाज मिलेगा, तो बताओ पॉसिबिलिटी होगी ना कि भाई काफ़ी लोग काम करेंगे। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और काफ़ी लोग काम करेंगे तो एटलीस्ट उन्हें वन डे मेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन्हें कम से कम एक दिन का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो बात कैसी है, लॉजिकल है और सपोर्ट कर रही है। तो क्या बोलेंगे, सेकंड भी इम्प्लिसिट, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ अजम्पशंस इम्प्लिसिट। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको रूल बता रहा हूँ। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और आपको मिलेगा पूरा 30 सेकंड। 30 सेकंड में स्टेटमेंट पढ़ना है, अजम्पशंस पढ़ना है, आंसर निकालना है। आर यू रेडी? पेन कॉपी साथ में रखिए, ध्यान से, बस दो ही बातें ध्यान रखनी है बेटा। फर्स्ट देखना है कि इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, कोई इलॉजिकल बात नहीं होनी चाहिए। सेकंड ये देखना है आपको कि स्टेटमेंट का अपोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। स्टेटमेंट पढ़िए पहले फटाफट से, उसके बाद में अजम्पशन आपके सामने आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज इन द स्टेट अप्लाई टू द रेगुलेटरी बॉडी फॉर सेंडिंग मोर नंबर ऑफ सीट्स फॉर द नेट्स एकेडमिक सेशन। राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेज ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर करने के लिए विनियामक निकाय को आवेदन किया है। मतलब क्या हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट्स को इंक्रीज किया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि भाई वहाँ पे एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब ये होगा ना, ऐसे ना, हम सोच सकते हैं ऐसा, तभी तो वो इंक्रीज कर रहे हैं, बेवकूफ़ थोड़ी है, ऐसे ना कि भाई सीट तभी इंक्रीज होती है। तो उन्होंने क्या किया, विनियामक निकाय को एक आवेदन किया है, ठीक है। अब देखिए अजम्पशन नंबर फर्स्ट, द रेगुलर बॉडी में ग्रैंड एडिशनल सीट्स सेट फोर्थ बाय द इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द स्टेट। हो सकता है कि विनियम निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटों में मंजूरी कर दे। अब एक बार बताइए, मान लीजिए आपका एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, आपने आप ऑफिस गए, विनियम निकाय गए, और वहाँ पे आपने बोला कि सर मुझे ये आवेदन देना है और मुझे सीट मेरी इंक्रीज करानी है। तो हो सकता है ना, यहाँ पे क्या बोला, देखो स्टार्टिंग में अजम्पशन नंबर फर्स्ट में क्या बोला, हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है कि वो आपकी मंजूरी मांग ले। बिल्कुल बात कैसी है, लॉजिकल है और सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल स्टेटमेंट का सपोर्ट कर रही है, अपोज नहीं कर रही है। तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट इम्प्लिसिट। आई होप आपको क्लियर होगा अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये सामने स्क्रीनिंग पे मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे जिस भी क्वेश्चन में डाउट है शेयर कीजिए, ठीक है। अब आइए सेकेंड पे। सेकेंड है बेटा, द इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द स्टेट मेडिकेट एडुकेट नंबर ऑफ एप्लीकेशन टू फिल इन द एडिशनल सीट्स। मतलब हो सकता है कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज की अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर ले। मुझे वो बताइए, आपके पास में इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपने आवेदन किया, तो हो सकता है ना कि भाई आपके आवेदन मंजूरी हो जाए। और अगर मान लीजिए आपके आवेदन मंजूरी हो गए तो ये भी तो हो सकता है कि पर्याप्त मात्रा में आपको क्या मिल जाए, अतिरिक्त सीट मिल जाए। यस आई नो। तो बात कैसी है, लॉजिकल बात है, बिल्कुल हमने भाई सीट इंक्रीज कराने के लिए आवेदन किया था, तो हो सकता है कि स्टूडेंट भी आ जाए हमारे पास में, यस आई नो। तो बात लॉजिकल है और स्टेटमेंट का अपोज नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, सेकंड में इम्प्लिसिट। तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लिसिट। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
चलिए, आपको बस दो ही बातें देखनी है कि अजम्पशंस इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, अजम्पशंस स्टेटमेंट का अपोज नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। हम क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ चुका है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़िए और जो भी अजम्पशन नीचे आ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए क्या बोलने वाला है। सेम 30 सेकेंड आपके पास में है, 30 सेकेंड तक इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, कोई भी मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करना है। द हाईवे पुलिस अथॉरिटी हैज पुट अप लार्ज बोर्ड एट रेगुलर इंटरवेल्स इंडिकेट द स्पीड लिमिट एंड डेंजरस ऑफ ओवर स्पीडिंग ऑन द हाईवे। मतलब हाईवे पुलिस को सरकार ने नियमित दूरी पर गति सेवा और हाईवे पर अधिक गति के खतरों को निर्देशित करने वाले बड़े बड़े बोर्ड लगाए। अब पहले आप ये सोचिए कि भाई हाईवे पुलिस को सरकार ने ऐसा क्यों कहा कि अब हाईवे पे बड़े बड़े बोर्ड लगाओ, स्पीड को इंक्रीज नहीं डिक्रीज करने के लिए, हाईवे पर अधिक गति के खतरों को निर्देशित करने के लिए ऐसा क्यों करते हैं भाई? मान लीजिए हाईवे पुलिस ऐसा क्यों करेगी? बिकॉज कुछ लोग काफ़ी हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, ऐसे हम तभी करते हैं ना। ओके, सेकेंड थिंग, एक्सीडेंट को रोकने के लिए, ये सह नो। तो दो तीन बातें हमें पता लगे स्टेटमेंट से, तो इस तरीके से आप सोचा करो कि यार ये काम क्यों हो रहा है, ठीक है? तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये काम इसलिए हो रहा है, तो पता लगेगा कि भाई ये काम एक्सीडेंट को रोकने के लिए हो रहा है और स्पीड को डिक्रीज करने के लिए हो रहा है। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट अजम्पशन, आपने आंसर निकाल लिया होगा। अजम्पशन नंबर फर्स्ट देखिए, बोला गया मोस्ट ऑफ द मोटरिस्ट मैन ड्राइव देयर व्हीकल्स विद इन द स्पीड लिमिट ऑन द हाईवे। हो सकता है कि अधिकांश मोटर चालक हाईवे पर अपने वाहन गति सीमा के भीतर चलाएं। बात कैसी है? लॉजिकल या इलॉजिकल? हो सकता है कि अधिकांश मोटर चालक हाईवे पर अपनी वाहन गति सीमा के भीतर चलाएं। बिल्कुल बात लॉजिकल है कि मान लीजिए भाई, मान लीजिए हमने देखा कि लिमिटेड स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तो कुछ लोग तो स्पीड कम कर लेंगे और कुछ लोग नहीं भी करेंगे। तो यहाँ क्या बोला, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो कुछ लोग करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। तो बात कैसी है? लॉजिकल बात है। और स्टेटमेंट का अपोज नहीं कर रहा है, स्टेटमेंट का सपोर्ट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट इम्प्लिसिट। अब सेकंड पे आइए, मोटरिस्ट जनरली इग्नोर सच कॉजेज एंड ओवर स्पीडिंग ऑन द हाईवे। आमतौर पर मोटर चालक ऐसी चेतावनी को नज़रअंदाज करते हैं और हाईवे पर अधिक स्पीड से वाहन चलाते हैं। बात कैसी है? बिल्कुल लॉजिकल बात है। बात कैसी है? लॉजिकल बात है कि भाई हाँ, बिल्कुल आमतौर पर काफ़ी लोग इस चेतावनी को क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं कि हाँ भाई हमारे चाचा तो MLA हैं, हाँ हमारे चाचा तो MLA हैं, देख लेंगे भाई कौन रोकेगा हमें आगे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे नो कि थोड़ा सा अपनी ही एटीट्यूड में स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। तो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, तो लॉजिकल बात है। और स्टेटमेंट का अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, स्टेटमेंट का सपोर्ट कर रहा है। स्टेटमेंट में क्या था कि भाई कुछ लोग स्पीड हाई में गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, इसलिए हम बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे थे, बिल्कुल। और ये बात वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई बिल्कुल आमतौर पर मोटर चालक ऐसी नज़रअंदाज करते हैं और हाईवे पर अधिक स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, अपोज नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? सेकंड भी इम्प्लिसिट हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ अजम्पशंस इम्प्लिसिट। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर आपको फटाफट से निकाल लेना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और आप अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर सकते हैं वीडियोस, जिससे कि वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें, बाहर नहीं जाएं। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए फटाफट से। बस दो ही बातें चेक करनी है, कुछ भी नहीं है दादा। पहली बात देखना है कि स्टेटमेंट आपका इलॉजिकल नहीं होना चाहिए और वो स्टेटमेंट का अपोज नहीं करना चाहिए। चलिए टाइम अप होता है, अब देखते हैं हम हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है, मैनी पीपुल वेयर कोट बाय द रेलवे पुलिस वेल द वेयर ट्राइंग टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स एंड इम्पोज हैवी पेनल्टी बिफोर रिलीजिंग दैम। मतलब रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगा दिया। ठीक है भैया, क्या हुआ? कुछ लोग रेल पटरियाँ पार कर रहे थे, ठीक है, तो उनको किसने पकड़ा? रेलवे पुलिस ने पकड़ा और क्या कर दी, उनको छोड़ने से पहले उन पर क्या लगा दिया? पेनल्टी लगा दी। ठीक है, अब आइए फर्स्ट अजम्पशन। फर्स्ट अजम्पशन हमारा है,
हमसे बोला गया पीपल में रिफ्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक्स इन फ्यूचर, मतलब हो सकता है कि भविष्य में लोग पटरिया पर न चढ़ें। अब मान लीजिए किसी को जुर्माना लगा है, ठीक है, तो उनको देख के बाकी के लोग क्या पटरिया पार करेंगे? नहीं। हो सकता है कि भविष्य में लोग पटरिया पार नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई पुलिस पकड़ लेगी और क्या लगेगी, हमें पेनल्टी लगाएगी। तो बात बिल्कुल लॉजिकल है और स्टेटमेंट का सपोर्ट कर रहा है, स्टेटमेंट का सपोर्ट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट। सेकंड को देखिए, पीपल में कंटिन्यू क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक एंड प्ले हैवी पेनल्टी, लोग पटरियों पर पटरियां पार करते रहें तथा भारी जुर्माना भरते रहें। अब मान लीजिए आप पे कोई भी पेनल्टी लगी, ठीक है, तो सेकंड टाइम आप क्या ये काम करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बात कैसी है ये वाली? इलॉजिकल बात है, और इलॉजिकल हमेशा क्या होते हैं? गलत होते हैं। मान लीजिए हमने हेलमेट नहीं पहना और बाइक चलाया, हमारा चलान कट गया 1000 रुपये का, और हमें 2-3 दिन तक चक्कर लगाने पड़े पुलिस स्टेशन के। बट नेक्स्ट टाइम जब हम मार्केट में बाइक लेके निकलेंगे तो सबसे पहले हम हमारा हेलमेट ढूंढेंगे कि भाई हेलमेट कहाँ पे है, ऐसा ना? तो इसलिए ये बात क्या थी बेटा? इलॉजिकल थी। तो क्या बोलेंगे? ओनली फर्स्ट अजम्पशंस इम्प्लिसिट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से इसको देखिए और आंसर निकालिए क्या बोलने वाला है। सेम 30 सेकेंड का टाइम आपके पास में, 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। कोई भी मिस्टेक आपको यहाँ नहीं करनी बेटा। A very large number of people in the queue for buying tickets for the one-day international cricket match scheduled for to be play in the city on the next day. शहर में अगले दिन आयोजित होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े हैं। भाई क्या हो रहा है? वन डे मैच हो रहा है, लोग खड़े हुए हैं क्या लेने के लिए? टिकट लेने के लिए, ठीक है। अब आइए अजम्पशंस पे। No other one-day international cricket match may be played in the city for the next 6 months. हो सकता है कि अगले 6 महीने तक शहर में कोई एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ना हो। अब मुझे एक बात बताइए, क्या स्टेटमेंट में ऐसा बोला गया है क्या 6 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में, 3 मंथ्स के बाद में कोई मैच नहीं होगा? स्टेटमेंट में ऐसी भी कोई भी बात नहीं बोली गई है, तो ये बात क्या है? इलॉजिकल है। तो क्या बोलेंगे? रॉन्ग, इलॉजिकल बात है, ठीक है। अब आइए सेकंड पे। मेजर ऑफ दिस हु स्टोर इन द मे बी एबल टू गेट टिकट्स फॉर द वन डे सिलेक्टेड क्रिकेट मैच, मतलब हो सकता है कि जो कतार में खड़े थे उसमें से अधिकांश को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट मिल जाए। भाई मान लीजिए काफ़ी लोग खड़े हैं, तो बिल्कुल हो सकता है कि उनको अधिकांश लोगों को टिकट मिल जाए। तो बात कैसे? लॉजिकल बात है, और स्टेटमेंट का अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल स्टेटमेंट का सपोर्ट कर रहा है। स्टेटमेंट में क्या था कि काफ़ी लोग खड़े हैं टिकट लेने के लिए, तो यहाँ भी क्या बोल रहा है कि हो सकता है कि अधिकांश लोगों को टिकट मिल जाए, सपोर्ट कर रहा है। तो क्या बोलेंगे? ओनली सेकंड अजम्पशंस इम्प्लिसिट। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट नंबर 2 अजम्पशंस, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना कोई भी क्वेश्चंस या फिर इनमें से भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप शेयर कर सकते हैं। बस आप लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी सीख सके अजम्पशंस के क्वेश्चंस को सोल्व करना 20 सेकंड में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।